हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ कुकिंग के यूजफुल टिप्स। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, सीखिए कुकिंग के नए तरीके। कुकिंग आर्ट है, इसलिए अच्छे कुकिंग को हमेशा कुकिंग के नए तरीके सिखाते रहना चाहिए। इससे आप नई चीज़ें भी सीख जाते हैं और ढेर सारी तरीफे पाते हैं। आप भी सीखिए कुकिंग के नए तरीके। तो चलते हैं दोस्तों टिप्स की ओर। नंबर वन टिप्स है, भिंडी के मसाले वाली सब्जी बनानी हो तो गरम मसाले को 10 मिनट के लिए इमली के पानी में डालकर रख दें, फिर इस मसाले से भिंडी बनाएं। भिंडी का रंग और स्वाद लाजवाब होगा। अगली टिप्स है, घर में बाजार जैसी क्रीम बनाने के लिए मलाई को मिक्सी में 4-5 सेकेंड तक ब्लेंड करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। अगली टिप्स है, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम में पिसी हुई शक्कर मिलाकर अच्छी तरह फेंटें। इसे फूड सलाद में डालें और अच्छी तरह मिलाइए। शाही फूड सलाद तैयार है। अगली टिप्स है, नींबू को हल्के गर्म पानी में रखकर 2 मिनट बाद रस निकाल लें। ऐसा करने से रस निकालने में आसानी होती है और ज़्यादा रस भी निकलता है। अगली टिप्स है, खास्ता आलू पूरी बनाते समय आटे में सूजी रवा मिलाने से पूरियां खास्ता बनती हैं। अगली टिप्स है, पकौड़े बनाते समय बेसन के घोल में थोड़ा सा रिफाइंड तेल और अजवाइन डालकर अच्छी तरह फेंटें। ऐसा करने से पकौड़े तो करारे बनेंगे ही, पेट में गैस की शिकायत भी नहीं होगी। अगली टिप्स है, इडली को नए अंदाज में बनाने के लिए उसमें कटी हुई सब्जियां या सब्जियों को पीस कर उसका पेस्ट मिलाकर वेजिटेबल इडली बनाएं। आपका ये क्रिसमस मेहमानों को खूब पसंद आएगा। अगली टिप्स है, पाव भाजी बना रही हैं तो सब्जी बनाते समय उसमें कॉर्न पनीर आदि मिलाकर हेल्दी और क्रिएटिव पाव भाजी तैयार करें। अगली टिप्स है, अचार में फफूंद ना लगे इसके लिए ज़रूरी है कि बनाते समय उसमें नमक की मात्रा आवश्यकता से थोड़ी अधिक रखी जाए और अचार पूरी तरह तेल में डूबा रहे। इससे अचार ज़्यादा दिनों तक खराब नहीं होता। अगली टिप्स है, पालक पनीर बनाने के लिए पालक को उबालते समय उसमें 1 टीस्पून शक्कर डालें और जब पालक पका रही हो तो उसमें 1 टीस्पून नींबू का रस डालें। इससे पालक का रंग हरा ही बना रहेगा। अगली टिप्स है, बची हुई पीली दाल को आटे के साथ गूंथ लें। स्वाद बढ़ाने के लिए कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, अदरक, लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस आदि भी मिला सकती हैं। प्लेन रोटी की बजाय ये पराठे मेहमान ज़्यादा चाव से खाएंगे। अगली टिप्स है, पोहा बनाते समय उसमें भी कटी हुई सब्जियां मिलाकर उसे और हेल्दी बनाया जा सकता है। अगली टिप्स है, हरी मिर्च काटने के बाद इमली के पानी में से हाथ धो लेने से हाथ में जलन नहीं होती। अगली टिप्स है, जामुन ना हो तो गर्म दूध में हरी मिर्च डालकर रात भर रखें। जामुन दही जमा सुबह दही जमा हुआ मिलेगा। अगली टिप्स है, वेगन भूनते समय उसमें लहसुन की 2-3 कलियां घुसा दें तो वेगन का स्वाद अच्छा और नया लगेगा। अगली टिप्स है, पीतल या तांबे के बर्तनों को अमचूर पाउडर से साफ करें, चमक उठेगी। अगली टिप्स है, बेसन में थोड़ा सा रवा सूजी डालकर चीले बनाएं, पतले वो कुरकुरे बनेंगे। अगली टिप्स है, हरे धनिया की पत्तियां तोड़ने के बाद इसकी डंडियां फेंकें नहीं, छाया में सुखा कर रख लें। हरा धनिया ना हो तो इन डंडियों का प्रयोग करें। अगली टिप्स है, भिंडी पकाते समय सब्जी में 1 चम्मच दही डाल दें, भिंडी चिपकेगी नहीं। अगली टिप्स है, नमक मिले पानी से बर्फ पर पोछा लगाने से चींटियां और कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। अगली टिप्स है, जहाँ चींटियाँ ज़्यादा होती हों वहाँ हल्दी पाउडर या नमक फैलाकर डाल दें। चींटियाँ
भाग जाएंगी। अगली टिप्स है, दूध ज़्यादा उबालने से गाढ़ा हो जाए तो उबला हुआ गर्म पानी डाल दें, दूध समान पतला हो जाएगा। अगली टिप्स है, ताजे नारियल का वड़ा बनाकर एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में रखने से बहुत दिनों तक ताज़ा रहेगा। अगली टिप्स है, दाल सब्जी में इमली अमचूर न डालकर आंवला चूर्ण डालें, इससे दाल भी बाल भी आँखों को लाभ होगा। अगली टिप्स है, उबले आलू के छिलकों पर नमक लगाकर चांदी के बर्तन साफ करें, बर्तन चमक उठेंगे। अगली टिप्स है, चुटकी भर हल्दी व नमक डालकर कच्चा केला काला पड़ने से नहीं पड़ता। अगली टिप्स है, प्याज या लहसुन की गंध दूर करने के लिए चावल के पानी के माड़ से हाथ धोना चाहिए। अगली टिप्स है, ब्रेड इस तरह सूख गई हो तो पानी उबाल और उसे पर तार की चली या चलनी रखकर ब्रेड स्लाइस रख दें, थोड़ी देर में ब्रेड ताजी जैसी नरम हो जाएगी। अगली टिप्स है, भरवा करेला बनाते समय मसाले में थोड़ा सा गुड़ मिला दें, स्वाद बढ़ जाएगा। अगली टिप्स है, टमाटर का सूप बनाते समय सूखा पुदीना डाल दें, सूप बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अगली टिप्स है, इमली को सुखाकर नमक लगाकर गोले बना लें और एयर टाइट डिब्बे में रखें, साल भर तक खराब नहीं होगी। अगली टिप्स है, ढोकला पकाते समय थोड़ी सी पीसी काली मिर्च भुरक दें, स्वाद बढ़ जाएगा। अगली टिप्स है, रहते पर 2-3 बूंदे लौंग का चूर्ण भुरक दें, रहता बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अगली टिप्स है, मैदे का फरथन लगाकर चपाती बनाने से चपाती एकदम मुलायम फूली हुई बनती है। अगली टिप्स है, सफ़र के लिए सब्जी बनाते समय मसाला भूनते समय थोड़ा सा सिरका डाल दें, इससे स्वाद भी बढ़ जाएगा और सब्जी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कुकिंग की टिप्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो कोई चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।